ये जो है कि नया वाला शाफ्ट है, VST कंपनी का जो है कि ये शाफ्ट है नया वाला। देखिए आप देख सकते हैं इसका प्राइस, आप देखेंगे तो देखिए 342 यानी 342 रुपया, 342 रुपीज प्राइस है इस शाफ्ट का। और देखिए इस तरीके से शाफ्ट जो है कि आता है पूरा वाला, और जूना वाला शाफ्ट देखिए यहाँ से टूट गया है, ये बॉल के अंदर से टूट गया है। तो अब जो है कि शाफ्ट को चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से चेंज किया जाता है शाफ्ट। बने रहिए आप जो है कि वीडियो के ऊपर कट कर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सना पावर डीलर। तो भाइयों देखिए आज हम जो है कि इस पावर डीलर के पास आए हैं, देखिए आप देख सकते हैं। तो इसका एक जो है कि प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम आज जो है कि हम आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई असल में होता क्या है कि जो है कि हमारे किसान भाई रहते हैं, उनको जो है कि समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, और वो हमारे जो है कि किसान भाई डर जाते हैं कि अब ज़्यादा खर्चा आएगा। तो वह प्रॉब्लम छोटा सा रहता है लेकिन जो है कि हमारे भाइयों की समझ में नहीं आता। तो आज ये प्रॉब्लम भी बहुत छोटा सा लेकिन दिखने में बहुत बड़ा है, वो आपको दिखाने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए भाई हमारे वीडियो में। तो देखिए ये पावर टिलर है 130 DI VST कंपनी का। तो इसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब भी हम जो है कि पावर टिलर को स्टार्ट करते हैं और उसका गियर एंगेज करते थे, जो है कि ट्रैक्टर रन नहीं कर रहा। तो भाई एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये प्रॉब्लम है, देखिए ये गियर तो हम इसका शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन जो है कि इसका गियर एंगेज नहीं कर रहा। क्यों? देखिए ये जो है कि ये जो है कि ऐसा गोल घूम रहा है ये शाफ्ट जो है कि अंदर से टूटा हुआ है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो अब जो है कि हम आप लोगों को दिखाएंगे कि शाफ्ट किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो आप भी लोग जो है कि इस वीडियो को देखिए, स्किप ना कीजिए, ताकि जो है कि आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करते हैं तो जो है कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो जो है कि आप मिस कर जाते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और देखते रहिए पूरी तरीके से। अब इस शाफ्ट को जो है कि चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले देखिए ये दोनों साइड में दो पट्टी लगा हुआ होता है, इस पट्टी को खोलना है, ये वाले बॉल को निकालना है। अब जो है कि ये वाला जो है कि ऊपर का जो प्लेट है, ये प्लेट को पूरा निकालना है ये वाले। और जो है कि यहाँ से रेस केबल निकालेंगे और इसका जो है कि वायरिंग होता है तो उसका पूरा वायरिंग निकालेंगे अभी हम, और फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ से एक 13 नंबर का जो बोल्ट होता है क्लच का, उसको भी जो है कि निकाल देना है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई। तो दोस्तों देखो इस तरीके से जो हमने देखिए इसको पूरा ओपन किया है, इसके ऊपर का पूरा जो है कि लाल कवर को निकाल दिया है, और ये जो कि हाई लो का शाफ्ट होता है उसको भी निकाल दिया है। ये देखिए उसको रिलीज किया है हमने। आप देखिए ये जो शाफ्ट जो है ना, ये यहाँ से टूट गया है सेंटर में से। तो अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला स्क्रू है, ये चारों नीचे दो स्क्रू है, ये 6 स्क्रू निकालना पड़ेगा। फिर ये प्लेट बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे कि शाफ्ट कैसे चेंज किया जाता है। लेकिन ये क्यों आपको दिखा रहे, ताकि आपके समझ में आए कि ये 4 स्क्रू निकालने के बाद में ही शाफ्ट ये चेंज कर सकते हैं। ये देखिए भाई आप देख सकते हैं इस तरह से जो है कि ये शाफ्ट टूट जाता है। देखिए ये देखिए ये शाफ्ट यहाँ पे फिट होता है इस तरीके से, अरे देखिए टूट गया है यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे फिट होता है अंदर। तो अब नया शाफ्ट फिटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से फिट किया जाता है। ये देखिए ये जो है कि नया वाला शाफ्ट है, VST कंपनी का जो है कि ये शाफ्ट है नया वाला। देखिए आप देख सकते हैं इसका प्राइस, आप देखेंगे तो देखिए 342 यानी 342 रुपया, 342 रुपीज प्राइस है इस शाफ्ट का। और देखिए इस तरीके से शाफ्ट जो है कि आता है पूरा वाला, और जूना वाला शाफ्ट देखिए यहाँ से टूट गया है, ये बॉल के अंदर से टूट गया है। तो अब जो है कि शाफ्ट को चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से चेंज किया जाता है शाफ्ट। बने रहिए आप जो है कि वीडियो के ऊपर कट कर। ये देखिए नया वाला शाफ्ट जो है कि हमने फिट कर दिया है, अब इसको गियर बॉक्स के अंदर फिट करेंगे, किस तरीके से फिट होता है वो देखिए भाई।
अब इसको फिट करने के लिए देखिए, ये अंदर पूरी तरीके से फिट होने के लिए यहाँ पे एक कंपनी ने स्क्रू दिया हुआ है। ये देखिए मैं वाला स्क्रू चाबी से जो है कि स्क्रू को रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया ये, अब इसको हम अंदर फिट करेंगे। तो इस तरीके चेक करना है ये फिट हुआ या नहीं हुआ अंदर गियर नाल में। अब ये सब में पहले ऊपर में ऊपर वाला स्क्रू फिट करेंगे। इसमें 6 स्क्रू आता है, 4 वाला लंबा आता है 1 इंच का, और 2 वाला जो कि 1.5 इंच का स्क्रू आता है वो नीचे में बैठता है, 1 इंच वाला स्क्रू ऊपर बैठता है यहाँ पे। ये देखिए 1 इंच वाला स्क्रू जो है कि 4 यहाँ पे ऊपर बैठ गया, और ये 2.5 इंच वाला स्क्रू ये नीचे बैठेगा। आप जो है कि इसको सही से टाइट कर लेना है पूरी तरीके से, पहले चारों भी स्क्रू जो है कि टच कर लेना, फिर फाइनल जो है कि एकदम फाइनल में टाइट करना है उसको, अभी खाली टच कर लेना है बस। इस तरीके से जो है कि इसको खाली टच करना है, बाद में फाइनल हाथ जो है कि हम मारेंगे सब होने के बाद में, ताकि जो है कि ऑयल लीकेज ना हो यहाँ से। जो है कि काम करते वक्त हर एक चीज़ का ध्यान रख के जो है कि काम किया जाए, काम करेंगे तो जो है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए छोटे स्क्रू ड्राइवर चारों फिट हो गया, अभी ये लॉन्ग वाला स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इससे जो है कि पूरा टाइट करेंगे इसको। टाइट करने का जो है कि आमने सामने टाइट करना है, ऐसा नहीं, ऐसा तिरछी में टाइट करना है। देखिए अभी ये नीचे वाला स्क्रू यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ इसका, अब ये ऊपर वाला होगा। अब ये नीचे वाला होगा। अब फाइनल नीचे वाला होगा एकदम लास्ट में, जो 1.5 इंच स्क्रू है वो वाला। ये चारों स्क्रू टाइट हो गया भाई, खराब हो गया।